हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। तो बैंक प्रमोशन एग्जाम स्पेशल बैच में आज हम लोग रिमेनिंग जो कुछ पोर्शन था वो पढ़ेंगे। आज मैं सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये कुछ चीज़ें थी जो लोन्स की स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, कुछ आरबी के पोर्टल्स थे और कुछ अपडेट वगैरह थे। तो पहले तो मैं ये पढ़ाने वाला नहीं था, फिर आप लोगों ने बोला सर कुछ बचा है पढ़ा दो पढ़ा दो, तो फिर मैंने सोचा चलो पढ़ा देते हैं। तो इस क्लास में हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे और ये जो सेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, आप इसको मान के चलिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन में हम लोग 6-7 टॉपिक्स कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक। एक एक नंबर भी अगर इन टॉपिक से आता है ना तो हमारे 6-7 नंबर आएंगे। लगभग 40-45 मिनट का सेशन, 6-7 टॉपिक्स कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लेरिकल और सब स्टाफ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये सेशन, सभी को ये सेशन करना चाहिए, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मैं और टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस सेशन में? इस सेशन में हम पीएम स्वनिधि के बारे में पढ़ेंगे, पीएम विश्वकर्मा के बारे में पढ़ेंगे, पीएमईजीपी के बारे में पढ़ेंगे, पीएमएफबीवाई के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रधानमंत्री की ये जो लॉन्च स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी, इसके लिए इन सभी के साथ पीएम जुड़ा है। इन सभी स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कैश मैनेजमेंट, जो काउंटरफिट नोट होते हैं उनका कब तक प्रिजर्व करके रखना होता है और कैश रेमिटेंस में क्या प्रोसेस रहती है, ये सारी चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे। आरबीआई ने जो रिसेंटली कुछ पोर्टल्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं बैंकिंग के जो हम पहले क्लासेज पढ़ चुके हैं, उन क्लासेज से कुछ अपडेट हैं, कुछ चीज़ें और बतानी है मुझे वो बताऊंगा, ठीक है? तो ये मान के चलिए आप 7 पॉइंट्स हैं, 7 टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन में सभी साथी जुड़े रहिए हमारे साथ, कोई बीच में यहाँ पे छोड़ेगा नहीं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। और मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं उतनी ही चीज़ें पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डेप्थ में हम इतने टॉपिक्स एक साथ कवर नहीं कर सकते। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है? अब ये जो हमने कैपिटल लिखा है इतने की फुल फॉर्म है ये, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है? तो ये होता है पीएम स्वनिधि। अब पीएम स्वनिधि में क्या होता है, किसके लिए स्कीम है, इसके बारे में बात करते हैं। पीएम स्वनिधि का ऑब्जेक्टिव है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है और ये फुली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, पीएम स्वनिधि कौन यहाँ पे हैंडल करता है, किसका ऑब्जेक्टिव है, किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो पीएम स्वनिधि को डील करता है, ठीक है? इसके ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो यहाँ पे 10,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है इनिशियली, फर्स्ट स्टेज में पहली बार में 10,000 रुपये तक का मिलता है। इंसेंटिव रेगुलर पेमेंट, रीपेमेंट पे लगातार रेगुलर रीपेमेंट होता है तो उस पे इंसेंटिव मिलते हैं और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उन पे भी इंसेंटिव मिलते हैं। अब इसकी ट्रेंचेज की मैं बात करूं तो 3 ट्रेंचेज होती हैं, पीएम स्वनिधि की 3 ट्रेंचेज हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। पहली ट्रेंच है 10,000 रुपये की, उसके बाद 10,000 रुपये अगर यहाँ पे टाइमली रीपेमेंट हो जाता है तो सेकंड ट्रेंच में 20,000 रुपये तक का लोन इश्यू होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड टर्म लोन अप टू ₹50,000 इन एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लोन, ठीक है? अगर इनका यहाँ पे टाइमली रीपेमेंट होता है तो फिर थर्ड ट्रेंच में 50,000 रुपये तक का लोन है वो सेंक्शन किया जाता है। तो तीनों ट्रेंच हमें पता होनी चाहिए, पहली ट्रेंच में 10,000 रुपये है, सेकेंड ट्रेंच में 20,000 रुपये है और थर्ड ट्रेंच में 50,000 रुपये का लोन होता है। पीएम स्वनिधि इनिशियली 10,000 का ही होता है, फिर 20,000 और फिर 50,000। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, क्लियर है ये चीज? चलिए अब स्ट्रीट वेंडर्स और होकर्स कौन होते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो मतलब रेहड़ी वगैरह लगाते हैं ना, जो छोटी मोटी रेडी बस स्टैंड पे लगाते हैं वो सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ओकर्स होते हैं। ये कुछ यहाँ पे डेटा दिए गए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे, और इनकी डेफिनेशन वगैरह है स्ट्रीट वेंडर्स की, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप उनसे पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम की हम बात करें तो ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च की गई थी 17 सितंबर 2023 को बाई प्राइम मिनिस्टर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
किसने लॉन्च किया था, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पीएम विश्वकर्मा स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर में आती है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। क्लियर है ये चीज? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये किसके अंडर में आती है, ये ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कुछ 18 कैटेगरी बनाई गई है ट्रेडर्स की, जो यहाँ पे लोन ले सकते हैं पीएम विश्वकर्मा के अंडर, जैसे सुथार, लोहार, बढ़ई, कारपेंटर वगैरह होते हैं ना, स्टोन कार्वर, राजमिस्त्री, इस टाइप्स के। ये आप पढ़ लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ये, कौन ले सकते हैं। तो ये 18 ट्रेडर्स की कैटेगरी बनाई गई है जो इनमें ट्रेड करते हैं। तो जो कारपेंटर हैं, आर्टिसियंस हैं, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा लॉन्च की गई, और ये सारे इसके पीएम विश्वकर्मा के अंडर में लोन ले सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स की हम बात करें, रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल थ्रू पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी प्रूफ। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं, स्किल अपग्रेडेशंस के लिए यहाँ पे प्रोग्राम लगाए जाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग होती है 5 से 7 दिन की, एडवांस ट्रेनिंग होती है 15 दिन की, और 15 दिन और इससे ज्यादा की होती है एडवांस ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग 5 से 7 दिन की होगी, एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन और इससे ज्यादा की होगी, और ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है 500 रुपये पर डे का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूल किट इंसेंटिव, 15,000 रुपये तक का टूल किट इंसेंटिव मिलता है ई वाउचर के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन पे इंसेंटिव मिलते हैं, पर डिजिटल ट्रांजेक्शन पे 1 रुपये का इंसेंटिव मिलता है, और मैक्सिमम 100 रुपये का इंसेंटिव मिलता है मंथली डिजिटल ट्रांजेक्शन पर, 100 रुपये से ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे 1 रुपये मिलता है, अगर 200 ट्रांजेक्शन हो गए तो 100 के बाद नहीं मिलेगा, 100 ट्रांजेक्शन तक 100 रुपये का 1 महीने में डिजिटल इंसेंटिव मिलता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रेडिट सपोर्ट की हम यहाँ पे बात करें तो कोलेटरल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स अप टू ₹3 लाख इन 2 ट्रेंचेस। अब 3 लाख रुपए तक का लोन होता है 2 ट्रेंच में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रेंच होती है 1 लाख रुपए की और 18 महीने का टेन्योर रहता है, क्लियर है। सेकंड ट्रेंच होती है 2 लाख रुपए की और 30 महीने का टेन्योर रहता है, 1 लाख रुपए 18 महीने का टेन्योर और 2 लाख रुपए 30 महीने का टेन्योर रहता है सेकंड ट्रेंच का, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है 5% विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबवेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ 8%, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबवेंशन मिल जाता है 8% के एक्सटेंट तक, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएमईजीपी के बारे में। पीएमईजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम है ये, पीएमईजीपी स्कीम है। अब पीएमईजीपी तो बहुत बड़ी स्कीम है, इसके बारे में हम पढ़ें तो 1 क्लास भी कम पड़ जाए, इतनी सारी चीजें पीएमईजीपी में है, लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। पीएमईजीपी की हम बात करें तो स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी। तो यहाँ पे जो इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है वो है केवीआईसी, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, वो यहाँ पे पीएमईजीपी स्कीम को देखता है। पीएमईजीपी इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इन 2008-09, और लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने 2008-09 में लॉन्च किया था फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री। रूरल और अर्बन दोनों एरिया में, देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब लोन कौन ले सकता है? एनी इंडिविजुअल अबो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से ज्यादा। अब यहाँ पे एज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 21 साल और 18 साल में हमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो 18 साल से ज्यादा जिनकी एज है वो लोन ले सकते हैं, 8th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, और 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट की हम बात करें तो 10 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 5 लाख रुपए बिजनेस और सर्विस सेक्टर में यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट हो, वो लोग एलिजिबल हैं लोन देने के लिए, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 5 लाख से ज्यादा की सर्विस सेक्टर में अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो लोन ले सकेंगे। मैक्सिमम कॉस्ट हो सकती है 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और 20 लाख रुपए है वो सर्विस सेक्टर यूनिट में मैक्सिमम कॉस्ट हो सकती है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं ये हमें ध्यान में रखनी है।
उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार 10 लाख रुपए तक का लोन है वो बिना किसी कोलेटरल के पीएमईजीपी में देना होता है, ठीक है। उसके बाद 2 करोड़ रुपए तक का लोन है वो सीजीटी एमएससी में यहाँ पे कवर होता है, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो होती है ना, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, इसकी फुल फॉर्म होती है सीजीटी एमएससी, तो सीजीटी एमएससी में कवर होता है। 10 लाख से ज्यादा का लोन है या 2 करोड़ रुपए तक का लोन है वो यहाँ पे कवर होता है, 10 लाख रुपए तक हमें कोई कोलेटरल नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे सब्सिडी के लिए, सब्सिडी यहाँ पे मिलती है। अब सब्सिडी के लिए लॉक इन पीरियड रखा गया है 3 साल, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पीएमईजीपी में सब्सिडी लेने के लिए लॉक इन पीरियड कितना रहना चाहिए, 3 साल का लॉक इन पीरियड यहाँ पे रहना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम नॉर्म्स ऑफ असिस्टेंट की बात करें कि कितने बेनिफिशियरी का परसेंटेज कहाँ से होना चाहिए, तो ये कुछ बेनिफिशियरी के परसेंटेज दिए गए हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी के परसेंटेज किस कैटेगरी में अपना कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट कॉस्ट में कितना होना चाहिए, तो बेनिफिशियरी ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर जनरल कैटेगरी का है तो 5% की अपनी यहाँ पे कॉस्ट लगानी होगी कोई भी प्रोजेक्ट में, और उसके अलावा जनरल कैटेगरी के अलावा कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड एनआर हिल एंड बॉर्डर एरिया से है तो उसको बिजनेस में यहाँ पे 5% लगानी होगी। रेट ऑफ सब्सिडी की हम बात करें तो अर्बन एरिया में आएगी 15%, रूरल एरिया में आएगी 25%, और ये आएगी जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अदर कैटेगरीज की हम बात करें तो यहाँ पे रेट ऑफ सब्सिडी रहेगी वो अर्बन एरिया में 25% रहेगी, रूरल एरिया में 35% रहेगी। क्लियर है ये चीज, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में कर लेना अगर आपको याद रह पाता है तो, नहीं तो पहले वाली स्लाइड थी वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मतलब मार्जिन मनी है ये, इतना इतना मार्जिन मनी अपना पैसा खुद से लगाना होगा। 100 रुपये की चीज है तो जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पे 10 रुपये खुद के लगाने हैं, 90 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। एस सी एस टी वालों को 5 रुपये खुद के लगाने हैं और 95 रुपये का लोन मिल जाएगा, इस टाइप से इसको आप समझ सकते हैं, क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएमएफबीवाई की। पीएमएफबीवाई क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैक्सिमम जो इंश्योरेंस आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, ये महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 4-5 स्टेट हैं जहां पे पीएमएफबीवाई का अमाउंट है वो किसानों को मिलता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। तो इन 4-5 स्टेट में आप लोगों ने कभी देखा होगा, सुना होगा, तो पीएमएफबीवाई का सबसे ज्यादा आता है। गुजरात वगैरह कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पे पीएमएफबीवाई में लोग अपना अमाउंट डिडक्ट ही नहीं करवाते, प्रीमियम डिडक्ट ही नहीं करवाते, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं आता है। चलिए अब पीएमएफबीवाई की हम बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 18 फरवरी 2016 बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद लास्ट ईयर ही पूछा गया था। कब लॉन्च की गई थी, 2016 में स्कीम लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम को कौन एडमिनिस्टर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कौन सी स्कीम को कौन एडमिनिस्टर यहाँ पे करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको सारी स्कीम्स का पता होना चाहिए, कौन सी स्कीम को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है। अब इसने किसको रिप्लेस किया था, एनएआईएस स्कीम को रिप्लेस किया था, नेशनल एग्रीकल्चर एंड इंश्योरेंस स्कीम थी, एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो एनएआईएस थी, फिर उसके बाद इसको एमएनएआईएस बनाया गया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे, और फिर इनको सबको रिप्लेस करके पीएमएफबीवाई लाया गया कि पूरे देश के लिए एक ही फसल बीमा स्कीम लाई जाए। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाई एम्पेनल्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सिलेक्शन ऑफ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी डन बाई द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट थ्रू बिडिंग। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज होती है जिनको हम प्रीमियम भेजते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी होती है। अब जरूरी नहीं है कि किसी स्टेट में 50 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 50 इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी है वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ही होती है, मतलब एक कंपनी के पास 10 डिस्ट्रिक्ट हैं तो भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग डेटा उनका रहता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग प्रीमियम रहता है। प्रीमियम रहता है वो कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फसल की क्षमता कितनी है, कितनी उपजाऊ है, वहाँ पे कितनी फसल होती है, इन सारी चीज़ों के फैक्टर्स के हिसाब से प्रीमियम है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इरिगेटेड एरिया है वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा होता है, अन इरिगेटेड एरिया है वहाँ पे प्रीमियम कम होता है क्योंकि वहाँ पे फसल भी कम होती है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है।
क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है जहां पे ऐप अलाउज फार्मर्स टू इजीली एनरोल इन पीएम फसल बीमा योजना एंड रिपोर्ट द क्रॉप लॉस विद इन 72 आवर्स ऑफ द इवेंट। अब पीएम क्रॉप इंश्योरेंस पे अगर फसल खराब हो गई है तो 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी इवेंट हुआ है, जैसे यहाँ पे ओले गिर गए हैं तो 72 घंटे के अंदर आपको बताना होगा आपकी फसल खराब हो गई है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज की हम बात करें तो कवरेज इज अवेलेबल अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। पोस्ट हार्वेस्ट में यहाँ पे 14 दिन तक मैक्सिमम जो कवरेज है वो अवेलेबल रहता है फ्रॉम द हार्वेस्टिंग फॉर दोज क्रॉप्स विच आर केप्ट इन कट एंड स्प्रेड। कट एंड स्प्रेड टाइप की अगर फसल्स हैं तो 14 दिन तक का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो रहता है। जैसे फसल कट एंड स्प्रेड का क्या मतलब हुआ, जैसे फसल को हमने काट तो लिया है लेकिन अभी तक हमने फसल को निकाला नहीं था, बारिश आ गई आपकी पूरी फसल धुल गई, या फिर ऐसी कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, आपकी फसल उड़ गई, तो ये 14 दिन तक का मैक्सिमम पीरियड होता है काटने के बाद आपको यहाँ पे प्रीमियम कवर मिल सकता है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें, फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स। अब किसी ने अगर हिस्सेदारी पर होती है ना खेती, कि मैं खेती नहीं कर रहा तो मैंने अपना खेत किसी को हिस्सेदारी पे बोल दे दिया, मैंने बोला आप 50-50 में हम लोग यहाँ पे अमाउंट है वो शेयर कर लेंगे, तो जितनी फसल हुई तो 50% तो खेती करने वाला ले लेगा, 50% जिसकी जमीन है वो ले लेगा, तो ये तो हो गया शेयर क्रॉपर्स। अब एक टेनेंट फार्मर्स होता है, ठीक है, टेनेंट फार्मर्स वो होता है जिसमें, जैसे मैंने किसी की फसल है वो ठेके पर ले ली खेती, मैंने आपको एक फिक्स अमाउंट दे दिया और मैं आपकी खेती को ठेके पर ले लिया, मैंने बोला आपकी 10 बीघा जमीन है, ये लो 1 लाख रुपये, जितना भी यहाँ पे खेती होगी वो सारा मैं लूँगा, ठीक है, तो चाहे मुझे फायदा हो या नुकसान हो, खेती हो या नहीं हो, तो ये टेनेंट फार्मर्स होता है। ग्रोविंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन द नोटिफाइड एरियाज आर एलिजिबल फॉर कवरेज। बोथ टाइप अन इरीगेटेड एरियाज एंड इरीगेटेड एरियाज आर एलिजिबल। अब यहाँ पे जो सिंचित क्षेत्र होते हैं और असिंचित क्षेत्र होते हैं, दोनों टाइप की फसल है उनके लिए यहाँ पे कवर रहता है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे किसी भी टाइप से पानी लग रहा है, चाहे आप ट्यूबवेल से पानी लगा रहे हो, चाहे आप नहर से पानी लगा रहे हो, वो होता है सिंचित क्षेत्र। और जहाँ पे सिर्फ मौसम आधारित कि ऊपर वाला बरसात करेगा तभी फसल होगी, तो फिर वो अन इरीगेटेड एरिया होता है। और जो अन इरीगेटेड एरिया हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे हालात अब भी बहुत ख़राब है। बोथ टाइप लोनी एंड नॉन लोनी आर एलिजिबल। उसके अलावा किसी ने अगर लोन ले रखा है, केसीसी ले रखी है, वो भी बीमा करवा सकता है, और जिसने केसीसी नहीं ले रखी है वो भी बीमा करवा सकता है। दोनों टाइप के लोग हैं वो बीमा करवाने के लिए एलिजिबल हैं। स्कीम वाज वंस मैंडेटरी फॉर लोनी फार्मर्स पर 2020 सेंट्रल चेंज इट टू मेक इट ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स। 2020 तक जिसने केसीसी ले रखी है सभी का बीमा करना जरूरी होता था, स्कीम मैंडेटरी थी, उसके बाद ये चेंज कर दिया गया कि अगर कोई बीमा करवाना चाहता है तो करवा सकता है, अदरवाइज ऑप्ट आउट नाम का एक फार्म होता है, आप ऑप्ट आउट फार्म दे करके यहाँ पे बोल सकते हो बैंक को कि मुझे अपनी फसल का इंश्योरेंस नहीं करवाना। एक बार ऑप्ट आउट दे दिया, फिर उसके बाद जब तक ऑप्ट इन फॉर्म भर के कस्टमर नहीं देता है तब तक वो उस स्कीम से ऑप्ट आउट रहेगा, तब तक बैंक उसका बीमा दोबारा नहीं काटेगी। द सेंटर डिसाइडेड फरवरी 2020 टू लिमिट इट्स प्रीमियम सब्सिडी टू 30% फॉर अन इरीगेटेड एरिया एंड 25% फॉर इरीगेटेड वंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अनलिमिटेड। तो पहले ये अनलिमिटेड था, फिर यहाँ पे एक कैप लगा दी गई। प्रीवियसली द सेंट्रल सब्सिडी हैज नो अपर लिमिट। पहले सेंटर की सब्सिडी की कोई यहाँ पे अपर लिमिट नहीं थी। अब जो यहाँ पे फसल खराब होगी उसके बाद बीमा मिलता है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उसका एटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टेट का जो यहाँ पे फार्मर्स डिपार्टमेंट होता है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता है, वो एक फिक्स पॉइंट देते हैं। एक जैसे एक पटवार हल्का है तो उसके लिए वहाँ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक फिक्स पॉइंट दिया जाता है कि ये आपका एटीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे जाकर के एक फिक्स एरिया होता है, जैसे 20x20 का एरिया दे दिया, 20x20 स्क्वायर फुट का एक एरिया दे दिया, और यहाँ पे आपको फसल को काट के फिर निकालना है, देखना है कितनी फसल होती है, उसके हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होती है, ठीक है। धरातल पे क्या होती है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, रूल्स तो होते हैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये रूल्स होते हैं इसके, इस कमेटी में भी 5-6 मेंबर की कमेटी होती है, इंश्योरेंस कंपनी का मेंबर रहता है, पर्टिकुलर एरिया का गिरदावर है वो रहता है यहाँ पे, और किसानों का प्रतिनिधि रहता है जिसका खेत है वो भी रहता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जो भी प्रतिनिधि आया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वो रहता है, ये 5-6 लोगों की कमेटी यहाँ पे डिसाइड करती है ये सारी चीज़, ठीक है। इसके बारे में हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमसे नहीं पूछा जाएगा, मैं जनरल आपके
नॉलेज के लिए बता रहा। नेक्स्ट हम प्रीमियम की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रीमियम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम आपको ध्यान होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत है। खरीफ फसल का प्रीमियम है देर विल बी यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2% टू बी पेड बाई फार्मर्स। तो 2% प्रीमियम है वो फार्मर्स को देना होगा, बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रीमियम है वो दें, ठीक है। अगर खरीफ की फसल की हम बात करें, खरीफ फसल में 2% देना होगा, और रबी की हम बात करें तो रबी में देना होगा 1.5%। अब ये तो पता होगा ना खरीफ की फसल कौन सी होती है और रबी की कौन सी होती है। तो ऑलमोस्ट जो नॉर्थ स्टेट से हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उन सभी को तो पता होगा, साउथ वालों का मुझे पता नहीं उधर का, ठीक है। तो खरीफ की फसल होती है तो उन सभी को 2% प्रीमियम देना होता है, किसान को 2% प्रीमियम देना है, और रबी में किसान को देना है 1.5%। इसके अलावा कोई कमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो वहां पे फार्मर को 5% देना है। अब बोलोगे सर कमर्शियल क्रॉप कौन सी है, जैसे जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली जो अभी हम सर्दियों में खाते हैं जो रेडी पे ठेले पे मिलती है ना, तो उस मूंगफली को हम यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप मानते हैं। तो इस टाइप की क्रॉप के लिए किसान को 5% का प्रीमियम देना होता है, मतलब इस टाइप की फसल जो यहाँ पे व्यावसायिक पर्पज के लिए उगाई जाती है तो उसके लिए किसान को 5% का प्रीमियम देना होता है। क्लियर है ये चीज। चलो अब जिनको फसल का पता नहीं है तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। रबी की फसल होती है वो फसल होती है जैसे हम यहाँ पे बात करें गेहूं की फसल की, हम बात करें चने के फसल की, हम बात करें मटर के फसल की बात करें, मतलब अभी जो सीजन चल रहा है ना, जो सर्दियों में चलता है, जो सर्दियों में चलता है तो सर्दियों में होती है रबी की फसल होती है, और जो सीजन गर्मियों में स्टार्ट होता है, गर्मियों में स्टार्ट होता है वो होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ग्वार हो गया, मोठ हो गए, मूंग हो गए, ये सारी खरीफ की फसल होती है, ठीक है। तो सर्दियों में रबी की फसल होती है और गर्मियों के टाइम में जो फसल बोई जाती है वो होती है खरीफ की फसल। क्लियर है। अब कैश मैनेजमेंट का पार्ट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कैश मैनेजमेंट के पार्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स। तो एक तो फेक नोट हमें मिल गए, कस्टमर को हमें वो नोट वापिस नहीं देने होते, ठीक है। नो केस काउंटरफिट नोट शुड बी रिटर्न टू द टेंडर और डिस्ट्रॉयड बाई द बैंक ब्रांचेज ट्रेजरी। तो कस्टमर को हमें वापस नहीं देने होते, कस्टमर को हम काउंटर स्लिप दे सकते हैं, एक फॉर्मेट बना हुआ होता है उसमें कस्टमर से साइन करवा के कि ये फर्दर सीरियल नंबर का नोट था, बैंक में रजिस्टर होता है उसमें भी हमें नोट करना होता है, हम कस्टमर को दे सकते हैं लिखित में लेकर के कि ये नोट था, एक्नोलेजमेंट हम आपको दे रहे हैं और ये आपका नकली नोट था। अब कस्टमर से साइन करवाने होते हैं तो कस्टमर बोलेगा कि मैं साइन क्यों करूं, कई बार ऐसा केस हो जाता है ना कस्टमर ने साइन करने से मना कर दिया, तो यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं करनी है कि ऐसा नहीं साइन कैसे नहीं कर रहा, वे चलो दफ्तरी रूम में लो इसको साइन करवाते हैं। तो इस टाइप्स की सर्कमस्टेंसेस हमें नहीं करने हैं, साइन नहीं करा तो सिंपली लिख सकते हैं वहाँ पे कस्टमर ने साइन करने के लिए मना कर दिया और ये नोट मिला है। अब जो नोट मिलते हैं तो उनको अनेक्सर फोर फॉर्मेट में 7th ऑफ द नेक्स्ट वर्किंग डे तक यहाँ पे बैंक को रिपोर्ट करना होता है, जो भी यहाँ पे फेक करेंसी मिली है, काउंटरफिट्स नोट मिले हैं तो उनके बारे में। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा गया था, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, काउंटरफिट नोट को कौन इंपाउंड कर सकता है, मैंने टेस्ट में भी पूछा था, काफी सारे लोगों का आंसर गलत था। तो काउंटरफिट नोट है उसको बैंक इंपाउंड कर सकते हैं, और उसके अलावा जो बैंक की आरबीआई की ऑफिसेज हैं, आरबीआई की ट्रेजरीज हैं, सब ट्रेजरीज हैं, इन सभी के पास पावर होती है काउंटरफिट नोट्स को इंपाउंड करने की। अब उसके बाद एक स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आया कि सर आरबीआई कैसे इंपाउंड करेगा जब नोट बैंक के पास मिला है, तो क्यों बैंक यहाँ पे अपने पास इंपाउंड कर सकता है, आरबी के पास भी बैंक यहाँ पे सेंड कर सकता है, या फिर आरबी के पास डायरेक्ट नोट पहुंचे हो, कोई चेंज करवाने गया हो, चेस्ट के थ्रू किसी भी माध्यम से पहुंचे हो, तो इन सभी के पास काउंटरफिट नोट है, उनको इंपाउंड करने की पावर होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा पुलिस को एफआईआर करनी होती है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है, अगर यहाँ पे चार पीस मिलते हैं तो पुलिस को एनेक्सर थर्ड फॉर्मेट में एफआईआर हमें करनी होती है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन में अगर चार पीस तक के नोट मिलते हैं, नकली नोट आते हैं, तो पुलिस को एफआईआर करनी होती है, लेकिन पांच या इससे ज्यादा का ज्यादा पीस आ जाते हैं, एक ही बार में पांच या इससे ज्यादा के नोट एक सिंगल ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, तो अनेक्सर फोर फॉर्मेट में हमें तुरंत पुलिस स्टेशन पे एफआईआर करनी होगी, इमीडिएटली एफआईआर करनी होती है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ काउंटरफिट नोट्स रिसीव्ड
फ्रॉम पुलिस अथॉरिटीज, दीज काउंटरफीट नोट्स एट ब्रांचेस शुड बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस ऑन 31 मार्च से 30 सितंबर। हाफ ईयरली बेसिस पे इनका वेरिफिकेशन करना होता है बाई द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द बैंक ऑफिस कंसर्न, दे शुड बी प्रिजर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब कितने टाइम तक इनको रखना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 साल तक इनको रखना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज। पुलिस अथॉरिटीज से जिस डेट से रिसीट हुआ है उसके 3 साल तक हमें यहाँ पे प्रिजर्व करके इन नकली नोट्स को रखना होता है। क्लियर है ये चीज। अब कैश रेमिटेंस की हम बात करें, जैसे हमें करेंसी चेस्ट से कैश लेके आना है या कैश भिजवाना है तो एस्कॉर्ट टीम का कंपोजिशन किस टाइप से होगा, अमाउंट। अब पहले तो अमाउंट और उसके बाद कितने अमाउंट तक कौन अथॉरिटी है यहां पे कैश के लिए। अगर 20 लाख रुपए तक की राशि है तो एक क्लर्क या फिर एक ऑफिसर, एक क्लर्क या फिर एक ऑफिसर, दोनों में से कोई एक है वो कैश यहां पे रेमिट कर सकता है, ठीक है। लेकिन 20 लाख से 50 लाख तक की राशि है, 20 लाख से 50 लाख तक की राशि है तो यहां तो दो क्लर्क होने चाहिए, या फिर एक क्लर्क और एक ऑफिसर होना चाहिए, या फिर एक क्लर्क और एक गार्ड होना चाहिए, गार्ड विद और विदाउट आर्म्स हो सकता है, इरेस्पेक्टिव वेदर द इंश्योर्ड ऑन व्हीकल इज यूज्ड और प्राइवेट व्हीकल इज एंगेज्ड। चाहे अपना व्हीकल यूज कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट व्हीकल रेंट पे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो 20 लाख तक तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि या तो क्लर्क होगा या ऑफिसर होगा, मतलब बैंक का एक बंदा जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने दफ्तरी को भेज दिया, दफ्तरी को नहीं भेजना है, कम से कम एक क्लर्क और एक ऑफिसर को जाना है। लेकिन 20 लाख से 50 लाख तक की राशि है तो दो बंदे कम से कम होने चाहिए, दो बंदे, दो क्लर्क हो सकते हैं, एक क्लर्क और एक ऑफिसर हो सकता है, एक क्लर्क और एक गार्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 50 लाख से 5 करोड़ तक की राशि है तो मिनिमम 1 क्लर्क एंड 1 ऑफिसर, कम से कम एक क्लर्क, एक ऑफिसर और 2 आर्म्ड गार्ड होने चाहिए, 2 गार्ड जिनके पास हथियार हो, बंदूक हो, तो 2 बंदूक वाले गार्ड भी हमारे साथ होने चाहिए, विद फायर आर्म्स इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इंश्योर्ड ऑन व्हीकल इज यूज्ड और प्राइवेट व्हीकल इज एंगेज्ड। चाहे अपना व्हीकल हो चाहे प्राइवेट व्हीकल हो। और ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की काफी संभावनाएं हैं, ठीक है। अब तो मेरा पेन टैब भी खराब हो गया यार, लिखा तक नहीं जा रहा है, लिखता हूं तो यहां से खराब हो रखा है। चलो 5-7 क्लासेज और लेने चला लेंगे काम। अब हम कुछ बैंकिंग ट्रेंड्स और अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अब जो यहाँ पे आरबी इंसेंटिव देता है बैंकों को, जो नोट हम करेंसी चेस्ट में भेजते हैं या कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके लिए कितना इंसेंटिव मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ सोल्ड नोट्स एंड एडजुडिकेशन ऑफ म्यूचुलेटेड नोट्स। अब सोल्ड या म्यूचुलेटेड नोट की हम बात करें तो ₹2 पर पैकेट फॉर एक्सचेंजिंग सोल्ड नोट्स अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50। ₹50 तक का डिनोमिनेशन के नोट हैं तो पर पैकेट पे ₹2 मिलेंगे, एक पैकेट होता है 100 नोट का, ठीक है। ₹2 पर पीस ऑफ एडजुडिकेटिंग म्यूचुलेटेड नोट्स, अगर म्यूचुलेटेड नोट हैं तो ₹2 पर पीस के हिसाब से मिलेंगे। कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ₹65 पर बैग फॉर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ₹2 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो एक बैग के कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन पे ₹65 मिलेंगे। एडिशनल इंसेंटिव मिलता है ₹10 का फॉर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज विद ए कॉन्क्यूरेंट ऑडिटर सर्टिफिकेट। जो कॉन्क्यूरेंट ऑडिटर है उसने अगर ये सर्टिफिकेट दिया है कि आपने कॉइन है वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो ₹65 के साथ ₹10 और एडिशनल आपको मिलते हैं, यानी ₹75 का इंसेंटिव यहाँ पे आरबी आपको देता है। कैश डिपॉजिट बाय नॉन चेस्ट ब्रांचेस अंडर लिंकेज सिस्टम स्कीम विद करेंसी चेस्ट। अब करेंसी चेस्ट से जो ब्रांचेज लिंकेज नहीं है उनके कैश डिपॉजिट के रिगार्डिंग ये कुछ चीजें हैं। सर्विस चार्ज डिवाइड बाई करेंसी चेस्ट, लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट ₹8 पर 100 पीसेज और अदर करेंसी चेस्ट ₹5 पर 100 पीसेज, तो ये कुछ इंसेंटिव यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब आरबी पेनल्टी लगाता है करेंसी चेस्ट पे, तो उन पेनल्टी की हम बात करें, शॉर्टेज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। पेनल्टी क्यों लगाएगा कि यहाँ पे आरबी ने चेक किया नोट या कॉइन थे वो शॉर्ट मिल गए। शॉर्टेज इन नोट्स अप टू ₹50 डिनोमिनेशन, ₹50 तक के नोट है वहां पे अगर शॉर्टेज मिलती है तो ₹50 पर पीस प्लस द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेशन। 50 पर पीस का क्या मतलब हुआ, ₹20 का नोट शॉर्ट था तो ₹50 तो ये लग गए,
प्लस वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन कितनी थी, 20 रुपये थी, तो टोटल 70 रुपये लग गई। 50 रुपये का नोट शॉर्ट था, 50 रुपये का नोट शॉर्ट था, तो 50 रुपये तो आपके पर पीस के लग गए, प्लस 50 रुपये 50 के नोट के लग गए, तो इस बार आपके लग गए 100 रुपये। क्लियर है ये चीज़? तो 50 पर पीस के लगेंगे, दो पीस हैं तो 50-50 यहाँ पे दो बार हो जाएगा, तो इस बार आपके लग गए 120 रुपये। तो इस टाइप से यहाँ पे चार्ज लगता है, पेनल्टी लगती है। शॉर्टेज इन नोट्स ऑफ रुपए 100 एंड अबव इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन पर पीस, 100 रुपये और इससे ज्यादा के हैं, तो चाहे 100 का आपका कम हो, चाहे आपका 500 का कम हो, जितने डिनोमिनेशन है उसके हिसाब से पेनल्टी लगती है। शॉर्टेज इन कॉइन्स ऑफ होल डिनोमिनेशन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेशन पर पीस, तो कॉइन्स में इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेशन पर पीस है उसके हिसाब से पेनल्टी लगती है। पेनल्टी इज इमीडिएटली इम्पोज अपॉन द डिटेक्शन ऑफ शॉर्टेज, और तुरंत ही पेनल्टी यहाँ पे ली जाती है। म्यूचुलेटेड नोट्स की हम बात करें, पेनल्टी ऑफ रुपए 50 पर पीस रिगार्डिंग ऑफ डिनोमिनेशन, ठीक है, म्यूचुलेटेड नोट्स यहाँ पे शॉर्ट मिलते हैं तो 50 रुपये पर पीस के हिसाब से लगेगी। और नॉन कंप्लाइंस विद ऑपरेशनल गाइडलाइंस बाई करेंसी चेस्ट, अब करेंसी चेस्ट ने जो आरबीआई की ऑपरेशनल गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं किया तो क्या पेनल्टी लगेगी? इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग नॉन फंक्शनिंग ऑफ सीसीटीवी, सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहे हैं, नॉट यूटिलाइजिंग नॉट सॉर्टिंग मशीन है, उनका यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी प्रत्येक इंस्टेंस पे, और ये 10,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में बार बार आप इस तरीके की गलतियां करते हो। आरबीआई को लगता है कि बार बार आप इस टाइप्स की गलतियां उनमें सुधार नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार में 5,000 की लगेगी, लेकिन एक ही फाइनेंशियल ईयर में ये बार बार लग रही है तो इसको 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, इस टाइप की गलतियां बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट ये कुछ पोर्टल हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रवाह पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है, एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रवाह पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। अब किसी भी टाइप्स की कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसकी वैलिडेशन, उसका ऑथोराइजेशन, उसका टाइम नॉर्म्स है, तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल यूज किए। ये प्रवाह की फुल फॉर्म है, आप इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। द पोर्टल विल इवेंचुअली कवर ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन मेड टू आरबीआई, आरबीआई के पास जितने भी टाइप्स की एप्लीकेशंस आ रही हैं तो उन सारी ऑल टाइप्स की एप्लीकेशन के लिए ये पोर्टल है वो आरबीआई ने लॉन्च किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा पोर्टल यहाँ पे आरबीआई ने लॉन्च किया है, कई पोर्टल के नाम दे दिए, प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए प्रवाह पोर्टल आरबीआई लॉन्च किए। ये इसके कुछ की फीचर्स हैं, ट्रांसपेरेंट टाइमलाइन, सिंगल इंटरफेस, स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन फॉरम, तो ये प्रवाह के कुछ की फीचर्स हैं, आप पढ़ना चाहो तो पीडीएफ से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं उद्गम पोर्टल के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है उद्गम पोर्टल से डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो अनक्लेम डिपॉजिट्स होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया, इसकी फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे फॉर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन द डिपॉजिट रिमेनिंग अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड कितने टाइम में होती है? जो अकाउंट इनऑपरेटिव 10 साल तक रहा, 10 साल तक कोई अकाउंट इनऑपरेटिव रहता है तो ये फंड आरबीआई के पास ट्रांसफर हो जाता है, जिसको डीप बोलते हैं। डीप की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड मेंटेन्ड बाई द आरबी, डीप को आरबी मेंटेन करता है। और डीप कौन से एक्ट में है, कौन से सेक्शन में है, ये चीजें भी मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, डीप काफी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, जो फंड डीप में गया उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका उद्गम नाम है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उद्गम को आरबीआई ने लॉन्च किया है और डीप का जो फंड है उसको रिकवर करने के लिए उद्गम पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च किया है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आता है अंतरदृष्टि पोर्टल। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था। अंतरदृष्टि पोर्टल है, ये आरबीआई ने इनसाइट्स टू एक्सेस एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए अंतरदृष्टि पोर्टल है वो लॉन्च किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है अंतरदृष्टि पोर्टल भी। अंतरदृष्टि पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है और फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए अंतरदृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये सारे पोर्टल्स आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट आता है एपी कनेक्ट पोर्टल। एपी कनेक्ट पोर्टल है वो भी आरबीआई ने लॉन्च किया है, विल फैसिलिटेट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर लाइसेंसिंग। अब किसके लिए? लाइसेंसिंग की एप्लीकेशन प्रोसेस है, जैसे हम एफएफएमसी की बात करें, एफएफएमसी होता है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, उसके अलावा
एडी कैटेगरी सेकंड, मर्चेंट बैंक्स ऑथोराइज्ड कैटेगरी सेकंड के जो मर्चेंट बैंक्स हैं, या फिर जो मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम्स के एजेंट हैं, एमटीएसएस स्कीम के एजेंट हैं, इनके लिए लॉन्च किया है। और ये एपी कनेक्ट पोर्टल से क्या क्या किया जा सकता है, लाइसेंसिंग ऑफ एंटिटीज, इस टाइप्स की एंटिटीज को लाइसेंस दिया जा सकता है, एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसको रिन्यू किया जा सकता है, ऑथोराइज किया जा सकता है, और वेरियस टाइप्स के स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स होते हैं उनको यहाँ पे सबमिट किया जा सकता है। तो ये एपी कनेक्ट पोर्टल है, ये जो फोरेक्स के डीलर्स वगैरह होते हैं उनके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि उनके लिए सिमलेस वर्क बनाया जा सके, कुछ इस टाइप्स की प्रोग्रेस लाया जा सके कि उनको कम डिफिकल्टियों का सामना करना पड़े, प्रोसेस फास्ट हो, उसके लिए एपी कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्यम असिस्ट की। उद्यम असिस्ट जो पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज MSME है, उसने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे कोई भी फर्म है, एंटिटी है, वो रजिस्टर करवा सकती है, उसको एक उद्यम असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। इससे उस फर्म को लोन लेने में आसानी होती है। जैसे कोई करंट अकाउंट ओपन करवा रहा है तो उसके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा, कौन सी वो एक्टिविटी कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी में एंगेज है, इसके सारी डिटेल्स होती हैं, पैन वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे इसमें लगाई जाती है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट रहती है, इसके लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया है। उद्यम पोर्टल है ये MSME का इनिशिएटिव है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो इनका इनिशिएटिव है, कौन इनको हैंडल कर रहा है, कौन डील कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। द सर्टिफिकेट्स आर कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अलाउइंग IME टू एक्सेस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL बेनिफिट्स। तो PSL बेनिफिट्स हैं वो भी यहां पे इजी हो जाएंगे, इजीली मिल सकेंगे जिन फर्म ने उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे MSSC, एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स लॉन्च की गई है जिसका नाम है महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक तो ड्यूरेशन है इसकी, ये स्कीम कब तक चलेगी, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम है वो चलेगी, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक स्कीम चलेगी। कौन एलिजिबल है, ओपनड इन द नेम ऑफ ए गर्ल चाइल्ड और ए वुमन और द गार्जियन ऑफ ए माइनर गर्ल चाइल्ड कैन ओपन अकाउंट अंडर दिस स्कीम। मिनिमम अमाउंट की हम यहाँ पे बात करें तो मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये का होता है, मैक्सिमम डिपॉजिट्स की हम बात करें तो मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख रुपये तक का होता है एक अकाउंट में, ठीक है। और सेकेंड अकाउंट ओपन किया जा सकता है कब, आफ्टर ए मिनिमम गैप ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो मिनिमम 1000 रुपये, मैक्सिमम 2 लाख रुपये डिपॉजिट किए जा सकते हैं, पहला अकाउंट ओपन करने के 3 महीने बाद दूसरा अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट है वो अभी 7.5% चल रहा है, 7.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ये पार्शियल विड्रॉल और TDS के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं जो आप PDF से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट को लेकर के, जो हमें पता होनी चाहिए। अब मैं अपडेट के बारे में बात कर लेता हूँ। अपडेट जो मैंने पहले क्लासेस पढ़ाई है वहाँ से ये अपडेट है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पहले कुछ चीज़ें पढ़ाई थी वो अपडेटेड नहीं थी, या आप किसी भी तरीके से मान लीजिए। अब उन चीज़ों में क्या अपडेट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। SHG रिवॉल्विंग फंड लिमिट की बात करें तो पहले मैंने आपको बताया था 10 से 15 हज़ार, ठीक है, लेकिन ये जो फंड है वो अपडेट हो गया। SHG रिवॉल्विंग फंड अब 20,000 से 30,000 रुपये तक है, तो पहला अपडेट अपना ही है, ठीक है। SHG रिवॉल्विंग फंड 20,000 से 30,000 है। क्रेडिट कार्ड पे रिस्क वेट है वो पहले 125% था, अब इसको RBI ने 150% कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का रिस्क वेट है, पिछले टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था, 125% वहाँ पे मैंने दिया था। तो अब ये क्रेडिट कार्ड पे रिस्क वेट था वो 125 की जगह 150% हो गया, ठीक है। रिस्क वेट किस टाइप से हम डिसाइड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्क वेट कितना होता है, 0% का रिस्क वेट होता है। गवर्नमेंट का अकाउंट है कहाँ पे जाएगा, केंद्र सरकार का अकाउंट है। तो इसी टाइप से क्रेडिट कार्ड है उस पर रिस्क वेट रहता है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये रिस्क वेट होता है, तो 150% की रिस्क रहती है क्रेडिट कार्ड पे। लॉकर्स के रिगार्डिंग हम बात करें तो लॉकर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे अगर बैंक की फॉल्ट से लॉकर को किसी भी तरीके से नुकसान होता है तो जो एनुअल रेंट है उसका 100 टाइम्स का यहाँ पे बैंक को, डिपॉजिटर है उसको अमाउंट देना होगा, सेफ डिपॉजिट लॉकर जिसने ले रखा है उसको अमाउंट इक्विवेलेंट टू 100 टाइम्स तक प्रिवेलिंग एनुअल रेंट है वो यहाँ पे देना होगा। ये बैंक की लाइबिलिटी बनती है। लेकिन नेचुरल कैलेमिटी के केस में, ये इंपॉर्टेंट है, नेचुरल कैलेमिटी के केस में बैंक सेल नोट बी लाइबल। नेचुरल कैलेमिटी से अगर किसी टाइप से आंधी तूफान बाढ़ से नुकसान हो जाता है तो यहाँ पे बैंक जिम्मेदार नहीं होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है।
तो पहले जब मैंने पढ़ाया था तो दोनों में मैंने 100 टाइम्स पढ़ाया था, लेकिन जो आरबीआई ने नए अमेंडमेंट्स लॉकर्स के दिए हैं उसमें ये चीज़ हटा दी गई है कि अगर नेचुरल कैलेमिटी में लॉकर को लॉस होता है तो फिर बैंक यहाँ पे नोट बी लाइबल जिम्मेदार नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़। अब एक बीएसबीडी अकाउंट को लेकर आप लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा था, तो बीएसबीडी में मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। बीएसबीडी एक तो नॉर्मल बीएसबीडी अकाउंट होता है, एक होता है स्मॉल अकाउंट। तो जो बीएसबीडी स्मॉल अकाउंट है उसमें जो डिपॉजिट लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, और जो ओनली बीएसबीडी अकाउंट है उसमें डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपए है। बाकी सारी चीजें सेम हैं, कुछ भी दोनों में डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीजें वही हैं जो पहले पढ़ाई थी। ठीक है, पहले भी मैंने ये पढ़ाया था तो वहां पे मैंने 2 लाख नहीं बताया था, मैंने वहां पे जो फीचर्स सारे पढ़ाए थे वो बीएसबीडी स्मॉल अकाउंट के फीचर्स थे, मैंने अलग से कुछ नहीं बोला था वहां पे, ना मैंने स्मॉल बोला था, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ, बीएसबीडीए स्मॉल अकाउंट है उसमें 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट हो सकता है, और बीएसबीडीए जो ओनली बीएसबीडी है उसमें 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट हो सकता है। एक ऑनलाइन नेफ्ट और आरटीजीएस चार्जेस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने वहां पे क्लास में ये बताया था कि फ्री है लेकिन यहाँ पे बैंक चार्ज कर रहे हैं, तो आप बैंक का सर्कुलर देख लेना नेफ्ट और आरटीजीएस के चार्जेस ऑनलाइन कितने लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है कि चार्जेस पूछे गए हों कि नेफ्ट कर रहे हो तो कितने रुपए का चार्ज लगेगा, कितने अमाउंट तक, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। आप याद रख सकते हो, आपकी मेमोरी में जगह है तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज मैं तो इसकी रिक्वायरमेंट समझता नहीं हूँ। लेकिन चार्जेस लग रहे हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, फ्री नहीं है, बैंक यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, तो वो चार्ज आप बैंक की वेबसाइट से, बैंक के सर्कुलर से देख लेना। अब बेनिफिशियल ओनर की रिगार्डिंग हम बात करें, बेनिफिशियल ओनर की अब सिर्फ 2 कैटेगरी है। ठीक है, तो हमें तो याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई है, 2 ही कैटेगरी हो गई है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एमसीए जिसको बोला जाता है, वो ये बेनिफिशियल ओनर की कैटेगरी डिसाइड करता है। और क्यों इनको कम ज्यादा किया जाता है, गवर्नमेंट को ये जो मनी मूल्स वगैरह होते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कंसेप्ट है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए इन चीज़ों पे यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए बेनिफिशियल ओनर का परसेंट कम किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, पहले कंपनी केस में 25% था, मतलब जिन लोगों का यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर 25% से ज़्यादा का बेनिफिट्स है सिर्फ उन्हीं को ही हम देख रहे थे। अब 10% से ज़्यादा है उन पर भी हम नज़र रखेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा नज़र रखी जा सकेगी लोगों पर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कम हो सकेंगे, इसलिए ये चीज़ें अपडेट की जाती है। ठीक है, अब बेनिफिशियल ओनर की 2 कैटेगरी रही है, कंपनी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म, तीनों के लिए 10% से ज़्यादा की ओनरशिप जिनके पास है, 10% से ज़्यादा के शेयर जिनके पास हैं, 10% से ज़्यादा का एंटाइटलमेंट जिनके पास है, कैपिटल और प्रॉफिट 10% से ज़्यादा ले रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे कंपनी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म के केस में बेनिफिशियल ओनर 10% वाले रहेंगे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी बची है 15% की, 15% में अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स टाइप्स की जो एंटिटी हैं उनके लिए 15% का बेनिफिशियल ओनर रहेगा। क्लियर है, कंपनी यहाँ पे 3 चीजें हैं, कंपनी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म, तीनों के लिए 10% है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टाइप की एंटिटी है वहां पे 15% से ज्यादा का बेनिफिट है वो बेनिफिशियल ओनर यहाँ पे होंगे। क्लियर है ये चीज, यहां तक सभी को क्लियर है। तो ये था हमारा आज का सेशन, लगभग 35-40 मिनट के सेशन में मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। अब हम रिकॉल्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको स्टार्ट करेंगे। तो रिकॉल्ड क्वेश्चंस हैं वो क्लेरिकल और सब स्टाफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेशन आप कोशिश करें मॉर्निंग वाला ही टाइम मैंने इन सेशन का रखा है, मॉर्निंग में 7:30 AM पे हम ये क्लासेज करेंगे, तो जिस टाइम क्लास हो रही है उसी टाइम आप लोग पढ़ लोगे तो आप पे बर्डन कम रहेगा, अदरवाइज 2-3 टेस्ट अगर एक साथ हो गए फिर आप लोगों को परेशानी होती है, ज़्यादा पीछे छूट जाते हो। तो कोशिश करो 7:30 AM पे सारे अवेलेबल रहते हैं, 7:30, 8:30 से पहले पहले हम क्लास यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ऑफिस आने का अपना टाइम होता है, तो इसी टाइम पे क्लास को कोशिश करो रियल टाइम में आप देख सको, जिससे आप पे ज़्यादा क्लासेस का बर्डन नहीं बढ़े। क्लियर है ये चीज़ें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।